तो हेलो भैया जी, सभी कैसे? मुझे लगता है सब मस्त बुला चंगा होंगे। तो आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज भी हम लोग फुटबॉल अपडेट लेके आए हैं डेली। अभी बुजुर्ग ग्राउंड का आप लोग को अपडेट दे रहे हैं, तो सोचे आज भी आप लोग को अच्छा खासा अपडेट देते। और आज आप लोग खुश होने वाला है, बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। आप लोग का विश पूरा होने वाला है। और क्या विश है वो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और मज़ा आने वाला है आज ग्राउंड में, तो ज़बरदस्त तरीके से कसा वसूल मैच होने का चांसेस है। बस बारिश ज़्यादा आना है, नहीं तो किरकिरा हो जाता है इस जगह में। तो आप लोग अपडेट बताते हैं। तो कल का अपडेट की बात करें तो कल जो पहला मैच हुआ था एबीसी न्यू लेटमा वर्सेस भगत इलेक्ट्रॉनिक, तो ये मैच भी पेनल्टी में गया था और पेनल्टी में भगत इलेक्ट्रॉनिक की टीम जीती थी। और दूसरा जो था सुजल ब्रदर गुमला वर्सेज राजसपोर्ट बुंडू, तो ये मैच भी पेनल्टी गया, इसमें जीती थी बुंडू की टीम। और जो क्वार्टर फाइनल हुआ था बुंडू वर्सेज पीएमपी पारेपा जो भगत इलेक्ट्रॉनिक के नाम से खेल रही वो, तो इसमें ये भी पेनल्टी गया भाई। कल तीनों मैच पेनल्टी गया। और मैच हुआ ये कि भगत इलेक्ट्रॉनिक पारेपा की टीम सेमीफाइनल प्रवेश कर चुकी है। एक बार के लिए लगा कि बुंडू जीत रही है, बट ऐसा कमबैक ने कीपर ने कराया भगत इलेक्ट्रॉनिक क्या कि क्या बोले, उसके बाद भगत इलेक्ट्रॉनिक की टीम मैच जीत गई। अगर नहीं देखो तो यूट्यूब में पेनल्टी वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग चेक कर ले। और आज का मैच के बारे में बात करें तो आज क्या खुशखबरी है वो आप लोग को बताने वाले हैं। तो आज जो मैच होने वाला है उसके बारे में सबसे बताते हैं। तो मामा स्पोर्टिंग का हंस क्लब कांके के साथ में और नाइन बुलेट कवाली का हुलंडू के साथ में, और दो दिन जीतेगी वो खेलेगी क्वार्टर फाइनल मैच आज ही। तो अब बात करते हैं कि मामा से कौन खेल रहे हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि चांडिल किससे आ रहे, तो चांसेस है कि मामा स्पोर्टिंग से आज जैसे चांडिल हम लोग को देखने के लिए ग्राउंड में मिल सकती है, ऐसा पूरा मिला हुआ है बात ये। अंश क्लब कांके से पता है कि निग्रो खिलाड़ी आते हैं। तो आज का जो मैच तीन मैच हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, तो आज के ग्राउंड में हम लोग को 8 निग्रो खिलाड़ी बुजुर्ग ग्राउंड में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये खुशखबरी थी। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि भाई हमारे ग्राउंड में निग्रो खिलाड़ी देखने के लिए नहीं मिल रहे, देखने के लिए नहीं मिल रहे। तो आज आप लोग का इच्छा पूरा होने वाली है, आज 8 निग्रो खिलाड़ी आप लोग को ग्राउंड में देखने के लिए मिलेंगे। और नाइन ब्रेड कवाली का हुलंडू एफसी से, और एक था कि ब्लैक टाइगर कब खेलेगी, तो चांसेस आज लग रहा है कि ब्लैक टाइगर आज खेलेगी। तो बहुत लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हुलंडू एफसी से खेल सकती है ब्लैक टाइगर। आप देखने वाली बात है आज खेलती है नहीं खेलती है। अगर अगर आज खेलती है ब्लैक टाइगर और ऋषि चांडी, तो बहुत लोगों का बेसब्री से इंतजार होगा कि दोनों का टक्कर कब होगा, ब्लैक टाइगर वर्सेस डीसी चैनल। बहुत दिन हो गया इसका टक्कर देखे हुए, तो शायद आज देखने के लिए हम लोग को मिल सकती है। सभी ये उम्मीद करेंगे कि क्वार्टर फाइनल में दोनों का टक्कर देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप आज का अपडेट हम लोग इतना ही रखते हैं। जैसा मुझे अनुमान या मुझे पता चला मैं आप लोग के सामने शेयर किया। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने का, और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने का। चलो बाय, सभी को झारखंडी जोहार।